मैं रेवरेंड अरुण के राव ईएलसी सौसर छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने एक बार फिर अपने वचन को शेयर करने के लिए, वचन की सेवकाई के लिए यह अवसर प्रदान किया। साथ ही साथ धन्यवाद देता हूं ब्रदर अनुपम शबनम डेविड जी को कि उन्होंने अपने पेज पे इनवाइट किया कि परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर करूं। साथ ही साथ स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं आगरा मसीह मंडली, इस समय जितने लोग ऑनलाइन कनेक्ट हैं, आगे कनेक्ट होंगे, आप सभी का मैं स्वागत करता और धन्यवाद देता हूं। आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, ऑल ग्लोरी टू अवर लिविंग गॉड। हमारे प्रभु परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को शेयर करें, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारा आदर मान सम्मान और महिमा तुझे देते, तेरे नाम को धन्य कहते हो, तेरे नाम का धन्यवाद करते हुए प्रभु एक बार फिर तेरी हुजूरी में आते हैं, विनती और प्रार्थना करते। हम सभी प्रभु देह प्राण आत्मा तुझे सौंपते, आगे का सारा समय तुझे सौंपते, वचन की सेवकाई में प्रभु तू मार्गदर्शन दे, वचन की सेवकाई में अपना प्रकाशन दे। आज प्रभु एक बार फिर नए सिरे अपने वचन के द्वारा तू हमसे बातचीत कर कि तेरे सामर्थ्य और चमत्कारी वचन हमारे मन आत्मा में काम करे, हमारे हर एक के जीवन के द्वारा से तेरे नाम को महिमा मिले। सारी बाधा रुकावटें, सारी तकनीकी बाधाएं, सब कुछ प्रभु तेरे चरणों में रखते, आगे का समय तेरे चरणों में रखते। आज प्रभु अपने वचन के द्वारा तो हमसे बातचीत का, हमारी विनती और पुकार को सुन प्रभु यीशु के नाम, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, सब उपदेशक का लिखने वाला, कि सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब बातों का, चाहे वे भली हो बुरी, सब कामों का न्याय करेगा। और परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि ये न्याय का कार्य परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर का वचन हमको बतलाता है, वचन कहता है कि विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हर जगह विश्वास की बात है, बेशक ये परमेश्वर का वचन, ये बाइबल एक पुरानी है, परंतु बाइबल पुरानी है परंतु एक खजाने का घर है, एक बहुत बड़े खजाने की तरह है, जिसमें हमारे हृदय आत्मा प्राणों के लिए हमारे लिए जो कुछ आवश्यक है वो सब कुछ हमें खुदा के कलाम में प्रतिदिन मिलता है। परमेश्वर के वचन की एक सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, महत्वपूर्ण बात पर हम ध्यान दें। जनसाधारण में, लोगों के बीच में अपनी जीभ की हम चौकसी करें। परमेश्वर का वचन हिदायत देता है कि जनसाधारण में, लोगों के बीच में हम अपने जीभ की चौकसी करें और अकेले में अपने विचारों की। क्यों प्रभु परमेश्वर हिदायत देता है, ऐसा क्यों है, सवाल ये उठता है मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम
लोगों के बीच होते हैं। जब हम लोगों के बीच होते हैं तो जीभ का उपयोग कर बातें करते हैं, लोगों के बीच होते हैं बातें करते हैं। और जब हम अकेले में होते हैं तो अकेले में मेरे प्रियो अनेकों विचार मन में उभरते हैं। इसलिए चिंता प्रबंध उपाय करने हरे प्रभु कहते हैं, अपने मन और अपने विचारों की चौकसी करना बेहद जरूरी है। कहने की बात नहीं मेरे प्रियो कि हमारी जीभ हमें ऊंचा मुकाम दे सकती है, हमारी जीभ हमें ऊंचा मुकाम दे सकती है और पतन का रास्ता भी हमें दिखा सकती है। निर्भर करता है सिर्फ और सिर्फ इस बात पर कि हम इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। आज मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, एक प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक प्रश्न की हमारी आराधना के मूल में क्या है, हमारी भक्ति हमारी इबादत हमारी आराधना के मूल में क्या है, एवं हमारी आराधना का हमारी भक्ति का उद्देश्य क्या है। भजन का लिखने हारा राजा दाऊद सलाह बतौर कहता है, राजा दाऊद उसने जो विश्वास किया जो महसूस किया परमेश्वर की शान में उसके नाम को महिमा देने के लिए, लोगों को मार्गदर्शन और चेतावनी देने के लिए, दाऊद कहता है कि प्रभु परमेश्वर में अपने विश्वास को दृढ़ रखो, प्रभु परमेश्वर पर अपने विश्वास को दृढ़ रखो मजबूत रखो। हम सब जानते हैं दाऊद के बारे में कि दाऊद अपने समय का विश्वास में बहुत धनी व्यक्ति था। दूसरी जगह हमको मूसा नबी भी बतलाते हैं, व्यवस्था विवरण छठा अध्याय उसकी पांचवी आयत में वचन हमारे सामने आता है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन अपनी सारी जीव अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। क्या लिखा है पढ़ेंगे, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और प्राण और सारी शक्ति से प्रेम रखना तमाम आज्ञाएं तमाम हिदायतें हैं। और ये संभव तभी होगा मेरे प्रियो जब भी आपका हम सबका विश्वास अपने प्रभु अपने परमेश्वर यहोवा पर मन वचन और कर्म से होगा। यहोशू भी अपने लोगों को उलाहना देता है, चेताता है, बताता है। यहोशू ने अपने लोगों से कहा कि किसकी सेवा करोगे, तुम किसकी भक्ति इबादत करोगे, यदि तुमको परमेश्वर यहोवा की सेवा भक्ति करना बुरा लगे तो चुनाव कर लो। यहोशू ऑप्शन रखता है। व्यवस्था विवरण 24 और उसकी 15वीं आयत हमें बतलाती है, यहोशू कहता है कि चुनाव कर लो किसकी भक्ति इबादत करोगे, किसकी बंदगी करोगे, किसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए जिंदगी बसर करोगे। क्या लिखा है
व्यवस्था विवरण 24 और उसकी 15 आयत। यह जानकर कि वह दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है, मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले तू उसकी मजदूरी देना। यहोशू ने अपने लोगों से कहा कि चुनाव कर लो किसकी सेवा करोगे। व्यवस्था विवरण 24 और उसकी 15 आयत हमको बतलाती है, यहोशू कहता है कि चुनाव कर लो किसकी सेवा करोगे, उन अन्य ईश्वर अन्य देवताओं की जिसकी तुम्हारे पुरखा करते थे। एक तरफ वो जीवित सामर्थ्य पराक्रमी प्रभु परमेश्वर है और दूसरी तरफ तमाम वो अन्य ईश्वर है और कहलाते। तुम चुनाव कर लो, यहोशू अपना कॉन्सेप्ट रखता है, परंतु मैं तो अपने घराने समय यहोवा परमेश्वर ही की सेवा करूंगा, उसी के नाम को धन्य कहूंगा, उसी के नाम की महिमा करूंगा। मेरे प्रियो, इस बात के प्रति हमें भी अत्यंत सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है। अत्यंत सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है कि हमारा विश्वास, हमारी भक्ति, हमारी इबादत किस ईश्वर पर है, हम भी किस ईश्वर की भक्ति इबादत करके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु चेताते और बतलाते हैं, चौकस रहो, सावधान रहो, सचेत रहो कि भरमाए ना जाओ। वर्तमान दौर मेरे भाई और बहनों ऐसा ही है, वर्तमान दौर ये यही है। आज भी देखें, हमारे अपने अपने अनुभव है, आज मंडली कलीसिया में ऐसे व्यक्तित्व जो वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, बहुतों को विश्वास से भटका देते हैं, आज ये सब हो रहा है, हम देख रहे हैं। वजह अलग अलग, कारण अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग वचन, अलग अलग कारणों से आज वचन मिलावट देखी और सुनी जा रही, और परमेश्वर की चेतावनी, परमेश्वर का मार्गदर्शन, परमेश्वर का प्रकाशन पूरा हो रहा है। अंत समय के लिए जो बात, जो लक्षण, जो चीजें वचन में बतलाई गई कि अंत समय में वचन में मिलावट होगी, आज हम सब देख रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है मेरे प्रियो, बहुत जरूरी। आज दुनिया में तरह तरह की शिक्षाएं दी जा रही, तरह तरह के मत, संप्रदाय, पंथ है, तरह तरह की फिलॉसफी, तरह तरह की थीम है, तरह तरह की डॉक्ट्रिन है, अलग अलग शिक्षाएं हैं। लेकिन हम जो मसीह विश्वासी हैं, हमारा काम क्या है, हम जो खुदा के बंदे हैं, उसकी प्रजा, उसकी संतानें, हमारा काम और कर्तव्य क्या है, हमें हर प्रकार की शिक्षा को हमें परमेश्वर के वचन के प्रकाश में परखना होगा, हमें वचन के प्रकाश में परखते हुए जीवन में आगे बढ़ना होगा, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में। देखें रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसकी 8 और 9 आयत क्या कहती है, चेतावनी भरा वचन है। क्या लिखा है
कि वचन तेरे निकट है, वचन तेरे मुंह में है। क्या लिखा है पढ़ेंगे? परंतु वह क्या कहती है, परंतु वो क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट और तेरे मुंह में है। ये कि वचन तेरे निकट और तेरे मुंह में है और तेरे मन में है, और तेरे मन में है। यही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। यही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। वचन तेरे मुंह में, वचन तेरे मन में, वचन हमारे हाथों में, वचन हमारे घर परिवार में है। और ये वचन यो ही नहीं है, यह वचन विश्वास का वचन है। लिखा है, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, और अपने मन से विश्वास करे, संपूर्ण मन से विश्वास करे परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया कि परमेश्वर ने उसे जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, तू निश्चय उद्धार पाएगा। आज मुक्ति, उद्धार, अनंत जीवन, मोक्ष के लिए बहुत तेरे लोग अपनों से रुसवा होके वीराने सुनसान में कठोर तप में लगे, कारण मन में शांति नहीं, कारण मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, कारण मुक्ति की इच्छा, कारण उद्धार, कारण अनंत जीवन पाने की इच्छा। अलग अलग रीति नीति, अलग अलग तौर तरीकों से, बड़ा ही कठोर तप के द्वारा अपने शरीर को कष्ट देके, अपने रिश्तों से रुसवा होके, अपनों को ठुकरा कर बहुत तेरे लोग वीराने सुनसान में एकांत वास लिए। हमको अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उसके नाम का धन्यवाद हो, उसके नाम को महिमा मिले। वो तरस और दया से भरा है, वो सुधि लेने आ रहा, वो कह रहा है कि वचन तेरे मुंह में, तेरे मन में है, आप इसको स्वीकार कर ले, अंगीकार कर ले। यदि तू मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। जीवन की कठिन और भारी समय में, जीवन के समस्या और परेशानी भरे समय में तू निदान और समाधान पाएगा। रोग और बीमारी की दशा में तू राहत और चंगाई पाएगा। तरह तरह की नेमतें, तरह तरह के वादे, प्रतिज्ञाएं प्रभु परमेश्वर ने अपने वचन में कर रखे हैं। तो काम हम सबका है, मेरा आपका हम सबका, कि हम उसके वचनों पर विश्वास करें। और सिर्फ विश्वास ही नहीं, सिर्फ विश्वास ही नहीं, क्योंकि बाइबल बतलाती है, खुदा का कलाम कहता है, विश्वास प्रमाण बांधता है। विश्वास को हमें प्रमाणित करना होगा, स्वीकार और अंगीकार करना काफी नहीं है। बाइबल चेताती और बतलाती है कि विश्वास की प्रकटीकरण बगैर प्रभु की कृपा और कल्याण ठहरे रहते, उसकी आशीष और उसके आशीर्वाद ठहरे रहते। विश्वास का प्रकटीकरण निश्चित और जरूरी है। आइए मेरे भाई और बहनों, आज हम विश्वास और उसके प्रतिफल पर मनन करें। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय और उसकी पहली आयत क्या लिखा है? विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय। 11 उसकी पहली आयत, विश्वास आशा की ही वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है।
और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यह है विश्वास, और ऐसा विश्वास मेरा, आपका, हमका, हमारा प्रभु, हम सबका प्रभु, ऐसा विश्वास, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, इस लेवल पे वो मेरा, आपका, हम सबका विश्वास देखना चाहता है। आगे छठवीं आयत पढ़ेंगे, क्या लिखा है कि परमेश्वर, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और विश्वास बिना उसे, मतलब प्रभु परमेश्वर को, क्योंकि प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को, प्रभु के पास आने वाले को, उसकी हुजूरी में आने वाले को ये विश्वास और भरोसा करना होगा, और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। उसके पास आने वाले को ये विश्वास और भरोसा होना कि वो अपने खोजने वाले, वो अपने मांगने वाले को प्रतिफल देता है, वो परमेश्वर जो प्रतिफल देने हारा है, उसकी हुजूरी में आए तो बड़े विश्वास और भरोसे से आए। अब सवाल उठता यह है मेरे भाई बहनों कि आशा की हुई वस्तुएं कौन सी है। हर जगह बाइबल में विश्वास और भरोसे की चर्चा है, विश्वास के लिए कि वो देखी हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो ये आशा की हुई वस्तुएं कौन सी है, एक आयत मेरे साथ खोलें, पहला कुरंथियों दूसरा अध्याय और उसकी नौवीं आयत। आशा की हुई वस्तुएं जो, परंतु जैसा लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। वे ही है जिसे प्रभु परमेश्वर ने, उस जिंदे खुदा ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। वो तो अपने तरफ से सब कुछ देना चाहता है। सवाल ये है, लेने के लिए हम तैयार हैं कि नहीं। यदि प्रभु परमेश्वर से हम कुछ चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, हमने कुछ मांगा है, तो उसमें विश्वास की पराकाष्ठा जरूरी है। उसके अंदर जबरदस्त विश्वास का होना नियत जरूरी है। आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। पहला कुरंथियों दूसरा अध्याय 12 आयत में एक खास चीज उसने अपने बंदों के लिए अंदर रखी है, क्या लिखा है, हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, और हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, हम उन बातों को जाने जो हमारे लिए उसकी ओर से है। आज जरूरत है इस बात की मेरे प्रियो, कि वो बातें, वो काम, वो आशीषें, वो आशीर्वाद जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए है, जब तक हम उसे जानेंगे नहीं, समझेंगे, महसूस नहीं करेंगे, कैसे वो हमारे जीवन में संभव होगा।
हमने वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। अब सवाल आता है आज वर्तमान में मेरे भाइयों कि क्या इस सच्चाई को मैंने आपने हम सब ने महसूस किया है? क्या हमारे अंदर कौन सी आत्मा है? क्योंकि पवित्र आत्मा सारी चीजों को, सारी बातों को, सारे कामों को स्पष्ट और साफ कर देता है। वो पवित्र आत्मा, वो ईश्वर का आत्मा हर बात के लिए हमें प्रकाशन और मार्गदर्शन देता है। किस अनुपात में हम उसे ले रहे हैं, या कहें किस अनुपात में हम उसे पा रहे हैं? उसने तो हमारे लिए बेशुमार और भरपूर रखा है। बावजूद इसके आज मैं आप हम सब यदि दुख और तकलीफ में, समस्या और परेशानी से घिरे हैं, रोग और बीमारी से ग्रसित हैं, और दूसरी तरह वो सामर्थ्य और पराक्रमी, वो चमत्कारी प्रभु है, उसके नाम की बंदगी करें, बड़ी श्रद्धा और शिद्दत के साथ उसके नाम को महिमा दें, उसके नाम को धन्य कहें, उसके नाम का धन्यवाद करें, और ये सब बड़े विश्वास और भरोसे से होना नितांत जरूरी है हर एक मसीह विश्वासी के लिए। विश्वासी होना काफी नहीं है, और हमें तो अपने प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि हम मसीह विश्वासी लोग हैं। तो क्या मैंने आपने हम सब ने उसे महसूस किया है कि हमारे अंदर कौन सी आत्मा है? क्योंकि वो आत्मा सारी बातें, सारी चीजों को साफ और स्पष्ट कर देता है, और उसके प्रकाशन, उसके मार्गदर्शन में हम सब भी, हम भी विश्वास की आंखों से देखते और विश्वास की आंखों से, विश्वास भरी आंखों से सुनते हैं। आपके सामने उदाहरण रखता हूं, शमूएल, बालक शमूएल का, कि बचपन में उसने परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर के उस कॉल को सुना और अपना जीवन उसकी राह में लगा, समर्पित हो गया, समर्पण कर दिया। प्रभु परमेश्वर की वाणी, आवाज को सुना और अपनी जिंदगी उसके नाम कर दी। आगे हम सब जानते हैं कि बालक शमूएल अपने समय का एक महान नबी कहलाया। कैसे संभव हुआ? क्योंकि उसने प्रभु परमेश्वर यहोवा की वाणी को अपने मन, आत्मा में, अपने जीवन में पहला स्थान दिया, उसके वचन को सर आंखों पर रखा, जीवन उसके नाम कर दिया और अपने समय का एक महान नबी कहलाया। दूसरा उदाहरण परमेश्वर के वचन में हमको शाऊल का, पौलुस का, शाऊल जो बाद में पौलुस बना, दूसरा उदाहरण हमको पौलुस का देखने को मिलता है कि जब दमिश्क के मार्ग में शाऊल जा रहा था, वचन बतलाता है कि वो चेलों को घात करने की, डराने धमकाने की, प्रभु के पंथ पे चलने वाले लोगों को कूड़े लगवाना, तमाम इन युक्तियों के साथ वो दमिश्क के मार्ग पे जा रहा था। बीच राह में उसने प्रभु यीशु की वाणी को सुना, प्रभु की आवाज को सुना, प्रभु के वचन को सुना
और उन आज्ञा भरे वचनों को उसने भी सर आंखों पे रखा। परमेश्वर के प्रभु की वाणी को, प्रभु यीशु के वचनों को जो उसके कानों में सुनाई दिए। वचन बतलाता है कि प्रभु से साक्षात्कार हुआ, उसकी आंखों की रोशनी चली गई, देख नहीं सका वो, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन उसके कानों में जो आवाज, जो वचन सुनाई दिए, उन वचनों को पूरा करने के लिए, उन वचनों के लिए उसने एफर्ट किया। बाइबल हमको बतलाती है और कैसे एक परिवर्तित रूप प्रेरितों के काम में हमको पढ़ने और देखने और सुनने को मिलता है कि शाऊल कैसे पौलुस बना। वो शख्स जो डराने धमकाने कोड़े लगाने और विश्वासी लोगों को बंदी गृह में डालने का काम करता था, गवर्नर का परवाना उसके पास था। लेकिन जब प्रभु के वचन उसके कानों में सुनाई दिए, उन वचनों को उसने तह दिल से स्वीकारा, उन वचनों को आज्ञा समझ के, आज्ञा मान के उसने अपने कदम बढ़ाए और एक परिवर्तन शाऊल के जीवन में आया। आगे हम सब पढ़ते हैं कि वो कोड़े बरसाने हारा, वो डराने धमकाने हारा, वो लोगों को बंदी गृह में डालने वाला स्वयं अपने शरीर पे उसने कोड़े खाए, वो स्वयं कैद हुआ, बंदी गृह में डाला गया। तमाम यातनाएं जो पहले वो दूसरों को देता था, उसने अपने जीवन में अपने शरीर पे लिए, और वो भी कुड़कुड़ा के, बड़बड़ा के नहीं। तमाम यातनाएं उसने प्रभु के नाम, उसके वचन को के प्रचार के लिए, उसके नाम की महिमा के लिए उसने अपने सर पर, अपने बदन पे कोड़े खाए। वो कैद बंदी गृह में वो डाला गया, तमाम यातनाएं उसने सही, लेकिन उसने अपनी राहें नहीं बदली। एक परिवर्तन जब आया, सर्वस्व उसने परमेश्वर की आत्मा के अधीन हो गया, उसने अपना सब कुछ प्रभु के नाम में अर्पण कर दिया। प्रेरितों के काम में कैसे कैसे चिन्ह और चमत्कार उसके द्वारा हुए, कैसे कैसे लोग उसके द्वारा प्रभु की वाणी सुन के अपने जीवन को बचाने आए। ये सब संभव तभी हुआ जब शाऊल ने प्रभु वाणी पर विश्वास किया और उसके लिए एफर्ट किया, क्योंकि विश्वास कर्म बिना अधूरा है। उसने विश्वास किया, अपने विश्वास को प्रमाणित किया, तो उस परमेश्वर ने भी, उस प्रभु यीशु ने बेशुमार दान और वरदान और आशीषों से उसके जीवन को भरपूर कर दिया। तीसरा हम देखते हैं उन अंधों के बारे में, तीसरी कि अंधों ने, दुनिया उनके लिए अंधेरी थी, उनकी आंखों के आगे अंधेरा था, वो देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने मन और आत्मा से, मन की आंखों से, आत्मा की आंखों से महसूस किया कि यीशु नासरी है, जिसके वचन में इतनी सामर्थ्य है। यीशु नासरी है जो हमारे लिए कर सकता है, यीशु नासरी है जो हमारे लिए कर सकता है, और उसके लिए दृष्टिदान देना असंभव नहीं है। प्रभु हमारी आंखें खोल सकता है। और वचन में हम क्या पढ़ते हैं कि उन्होंने महसूस किया
और बड़ी श्रद्धा और शिद्दत से प्रभु यीशु को पुकारा कि हे यीशु नासरी, हम पर दया कर। बड़े विश्वास से पुकारा यीशु नासरी, दाऊद के संतान, हम पर दया कर। और वो लगातार प्रभु को पुकारते रहे, हम पर दया कर। दया की विनती और याचना वो लगातार करते रहे। लोगों ने डांटा, जेलों ने डांटा, लेकिन वो डांट उन्होंने दरकिनार की, दीगर बातों से, दीगर वचनों से उन्होंने अपने ध्यान को नहीं भटकाया। उनके कानों में और भी आवाज, और भी वचन सुनाई दे रहे थे। जेलों ने उसे डांटा, वचन बतलाता है कि जेलों ने डांटा, लोगों ने डांटा कि वो चुप रहे, लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं कि वो निरंतर और लगातार पुकारते रहे। और उनकी ये विश्वास भरी पुकार, ये विश्वास और कर्म भरी पुकार उस भीड़ में भी, वो भीड़ जहां प्रभु लोगों से घिरा था, एक तरफ ये अंधे बड़े विश्वास के साथ प्रभु को पुकार रहे, प्रभु भीड़ में लोगों से घिरा, ये पुकार उसके कानों तक पहुंची। प्रभु ने भी, अंधों ने भी भीड़ की तमाम आवाज और वचनों को दरकिनार किया। प्रभु ने भी उनके लिए उस भीड़ भरी माहौल में, उस शोरगुल भरे माहौल में अंधों की पुकार को सुना और क्या कहा, उन्हें यहां पास लाओ। और उनसे पूछा, क्या चाहते, मैं तुम्हारे लिए करूं। उन्होंने कहे, प्रभु ये कि हम देखने लगे। प्रभु के मुख से निकला, देखने लगो। यह विश्वास का असर, यह विश्वास का असर, यह विश्वास का प्रतिफल। आज ऐसे ही विश्वास से हम सब भी मुक्ति, उद्धार और स्वर्ग राज की कल्पना करते हैं। आज हमारा भी ये विश्वास है। मेरे प्रियो, हम सब मसीह विश्वासी लोग हैं। एक धन्य आशा, एक धन्य उम्मीद के साथ अपना जीवन हम आगे बढ़ा रहे। लेकिन इस जीवन के अंदर, हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में विश्वास और भरोसे का होना नितांत आवश्यक है। और कैसा विश्वास, प्रभु की वाणी है, प्रभु का वचन है, प्रभु क्या कहे, धनी है, धन्य है वे जो विश्वास में धनी है, धन्य है वे जिनका विश्वास बड़ा है। आइए मेरे प्रियो, एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। हम सब इन वचनों को बार बार पढ़ चुके हैं, बार बार सुन चुके हैं। ये वचन हमें स्मरण है, वचन हमें याद है। जैसे ही हमारी सुनने में आता है मत्ती 15 उसकी 21 से 28 आयत में एक कनानी स्त्री का वर्णन हमको पढ़ने को मिलता है। एक कनानी स्त्री, एक अनजाति स्त्री, जिसकी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। एक स्त्री, एक मां जिसकी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, वो अपनी बेटी को घर छोड़ के, जैसे ही क्या लिखा है शुरुआती आयत में, किसवी आयत में, कि उसने किसकी चर्चा सुनी, क्या लिखा, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा प्रदेश की ओर चला गया। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा प्रदेश की ओर चला प्रदेश गया। से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला कर उस कहने लगी। प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली, चिल्ला कर, पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। दया याचना
देखें वो किससे कर रही, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया का, सारी दुनिया एक तरह। जैसे ही उसने सुना, जिन चमत्कारों की चर्चा सुनी, वो अपने हुजूम से निकली चिल्ला कर पुकार कर उस प्रभु परमेश्वर को पुकारा, यीशु नासरी दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्यों दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। आगे हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु ने उसको अनसुना किया, एक बार दो बार प्रभु ने करारा जवाब भी उसे दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात अच्छा नहीं है। लेकिन वो उसकी श्रद्धा और सिद्धत देखिए, वो नतमस्तक हो गए, प्रभु को प्रभु के नाम पर उसके वचन पर उसने सर्वस्व लगा। उसने कहा हाँ सच है प्रभु, ये सच है, लेकिन कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं। क्या लिखा है, उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं, जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। हे स्त्री, एक ही उदाहरण कि तत्क्षण उसकी विनती उसकी पुकार सुनी गई, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। प्रभु ने कहा बेटों की रोटी लेकर तो के आगे डालना अच्छा नहीं है। उसने कहा सच है, ये सच है प्रभु, लेकिन कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो उनकी स्वामियों की मेज से। ये सुन प्रभु के मुख से क्या निकला, स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। और वचन में हम पढ़ते हैं कि उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। वो बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, अपने उसके अपने घर में थी, उस स्त्री के सामने प्रभु के मुख से निकला जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। एक चमत्कार उसके घर परिवार में हुआ, उसकी बेटी उसके अपने घर में चंगी हो गई। विश्वास प्रमाण मांगता है, विश्वास एफर्ट मांगता है, विश्वास बाइबल बतलाती है कि कर्म बिना अधूरा है। और ऐसे बहुत चरित्र उनके वृत्तांत हमको वचन में पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। ये सिर्फ पढ़ने और सुनने के लिए नहीं, ये मेरे आपके हम सब के लिए मार्गदर्शन है, प्रकाशन है, एक माइलस्टोन है कि हम सब को भी, मैंने आपने हम सब ने भी अपने अपने विश्वास की दशा में बढ़ते जाना है और अपने अपने विश्वास को प्रमाणित करते जाना है। विश्वास का प्रमाणीकरण होगा यीशु नाम की आशीषें जीवन और घर परिवार में आएंगी। विश्वास प्रमाणित होगा उसकी कृपा, उसका कल्याण हमारे घर घराने में होगा। विश्वास का प्रकटीकरण होगा हमारी घटी कमी भी भरपूरी में बदलेगी, हमारे मन की मुरादें यीशु नाम से पूर्ण होगी, क्योंकि हमारा प्रभु, हम उस जिंदे खुदा की इबादत करने वाले लोग हैं जो जीवंत है, जो मृत्युंजय है, और जिसके वाणी जिसके वचन में इतना असर है कि उसके वचन बिना निमित्त पूरा हो किए वापस नहीं लौटते। मरियम मार्था और लाजर का वृत्तांत मेरे भाइयों हमको याद है, 11:40 आयत में प्रभु ने क्या कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को
देखेगी। उन बहनों ने विश्वास किया, भाई बिछड़ जाने के बाद भी, मरे चार दिन हो जाने के बाद भी प्रभु कब्र के पास है। प्रभु के मुख से क्या निकला, मैं तुमसे सच कह, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, खुदा का करम तेरी जिंदगी में होगा। उन बहनों ने विश्वास किया, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई, प्रभु की वाणी, एक ललकार भरा शब्द, ये लाजर बाहर निकल आ, जैसा वो चाहती वैसा ही हुआ। मरकुस 3:23 में भी हम एक ऐसे पिता पुत्र के वृत्तांत को हमको पढ़ने को मिलता है कि एक बाप अपने बेटे को यीशु के चेलों के पास चंगाई की आस में लाता है। लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु के चेले उस बालक को ठीक नहीं कर सके। वो प्रभु के सामने आके कहता है कि मैं अपने बेटे को, अपने पुत्र को तेरे चेलों के पास लाया, लेकिन वो उसे चंगा नहीं कर सके, वो उसे निकाल नहीं सके। मेरे बेटे को दुष्ट आत्मा सताता है, कभी आग पानी में गिराता है। उस बाप ने प्रभु यीशु से विनती कि यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर उपकार कर। उसके मन में कोई पछतावा, कोई समर्पण, कोई स्वीकार और अंगीकार नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की चंगाई चाहता है, वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं। यदि तू कुछ कर सकता है तो दया का, उपकार का। प्रभु के मुख से क्या निकला, 23वीं आयत, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? यदि तू कर सकता है, ये क्या बात हुई? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होता है, और यही वचन आज मेरे आपके हम सबके लिए भी, कि हमारा जैसा जितना बड़ा विश्वास होगा, उसी विश्वास के अनुपात में उसकी कृपा कल्याण, उसके आशीष और आशीर्वाद हमारे जीवन में फलवंत होंगे। जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा कर्म। एक और उदाहरण हम लूका 7 उसके पहले 10 आयतों में एक रोमी सूबेदार और उसके सेवक का पढ़ते हैं। रोमी सूबेदार ने क्या विनती की, उसने विनती की कि मैं इस योग्य नहीं, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, मेरे अंदर भी दास और सिपाही, एक से कहता हूं आ वो आता है, दूसरे से जा जाता, ये कर करता है, वो कर करता है, बावजूद इसके मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। और लिखा है वहां, केवल मुंह से कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, केवल मुंह से कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। कितना बड़ा विश्वास, कितना बड़ा भरोसा, उसका सेवक अपनी जगह है, उसकी विनती, उसकी पुकार, ये विश्वास और भरी पुकार है कि मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझा कि तेरे पास आऊं, वचन ही से कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। लूका 7 और उसकी 7वीं आयत, केवल इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वचन ही कह दे, हे प्रभु तू बोल, मेरी विनती पुकार को सुन, और वचन ही कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वो सेवक जो मरणासन पर है, उसके लिए केवल मुख से कह दे, हे प्रभु केवल मुख से कह दे मेरा दास, मेरा सेवक चंगा
हो जाएगा। आज वर्तमान में रे भाइयों बहनों, हमारा प्रभु वही प्रभु है। बाइबल क्या कहती, यीशु मसीह आजकल और युगानुयुग एक सा है। वो तरस और दया आज भी बरकरार है। जरूरत है हमें अपने विश्वास के पैमाने को बढ़ाने की। जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा कर्म। दूसरी बात प्रतिफल, आज का हमारा शीर्षक ही है विश्वास का प्रतिफल। अभी विश्वास हमने देखा, दूसरी बात है कि प्रतिफल। प्रतिफल सब उपदेशक में जैसे कहा है कि परमेश्वर हर एक बातों का, भले हो बुरी हो, हर एक कामों का, जैसे भी हो, परमेश्वर न्याय करेगा। और वो न्याय का काम उसने अपने इकलौते पुत्र मृत्युंजय प्रभु यीशु को सौंप रखा है, और दोबारा से वो आने वाला है, तो वो प्रतिफल देने ही आने वाला है। प्रतिफल देने वो आने वाला है। मत्ती 25 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु जब आएगा वो महिमा के सिंहासन पर बैठ विराजमान होगा, दूत उसके साथ आएंगे, तब जिन जिन विश्वासियों ने उसके राज उसके धर्म की खोज की, उसके वचन उसकी इच्छा का पालन किया, उसके नाम को उसके वचन को बढ़ाया फैलाया, उसके नाम को महिमा दी, उसके नाम का सेवा सेवकाई में परिश्रम किया, और जो उसके आते तक या अंत तक विश्वास योग्य बने रहे, बने हुए, उन्हें वो प्रतिफल देगा, प्रभु के प्रतिफल। इसलिए प्रकाशित वाक्य 2:23 आयत में कहती है, प्रतिफल का एक दृश्य प्रभु ने हमको वहां दिखाया है कि जब वो दोबारा वापस अपने लोगों को लेने आएगा, प्रतिफल देने आएगा, तो वो कैसा, वो क्या करेगा, कैसा इंसाफ करेगा। जब वो आएगा, दुनिया सारी जातियां दो भागों में बट जाएंगी। दुनिया दो भागों में, जैसे चरवाहा भेड़ बकरियों को अलग अलग करता है, वैसे ही उसके दूत अलग अलग करेंगे। उसका इंसान दो साइड का है, दाहिने ओर बाईं ओर। मत्ती 25 और उसकी 34 आयत में दाहिने ओर वालों से के लिए लिखा है कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार है। आओ और उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। प्रभु आएगा, वो तरस और दया से भरा है। आज वो तरस और दया से भरा है। बाई ओर वालों के लिए 25:41 में है कि हे श्रापित लोगों, मेरे पास से चले जाओ, उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार है। आज वो मेरे भाई और बहनों बुला रहा है। आज वो तरस और दया से भरा है, प्रेम से भरा है। दोबारा उसके आगमन का समय हो गया। यदि वो आ गया तो तरस और दया से भरा नहीं होगा, प्रेम और क्षमा से भरा नहीं होगा। वो दोबारा आएगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रतिफल देने आएगा, न्याय देने आएगा, इंसाफ करेगा। और कैसा इंसाफ करेगा, दो कैडर उसने वचन में रख दिए हैं। आज वो तरस और दया से भरा है, इसलिए बाइबल कहती है यदि आज उसका वचन सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, नम्र और दीन होके श्रद्धा और सिद्धत के साथ उसकी हुजूरी में आओ। आज समय और अवसर है। आज हमारा प्रभु तरस और दया, प्रेम, क्षमा, तमाम चीजों से वो भरा है। आज वो बुला रहा है। प्रभु की सामर्थ्य चमत्कारी वाणी सारे ब्रह्मांड में गूंज रही है। हे सब थके परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा, शांति दूंगा, मुक्ति दूंगा, उद्धार दूंगा, आनंद जीवन। आज उसकी वाणी है,
आज उसका वचन है कि आओ, लेकिन हिदायत और चेतावनी भी है, दोबारा से यदि वो आ गया दो भागों में, एक धन्य हो जाओ और दूसरा बाई ओर वालों के लिए कि मेरे पास से चले जाओ। आज वो बुला रहा है, आज हम कहां हैं जान लें, समझ लें और अपने अपने विश्वास के पैमाने को बढ़ाएं। विश्वास प्रमाण बनता है, विश्वास प्रमाण मांगता है। अपने अपने विश्वास में बढ़ते हुए, विश्वास को प्रमाणित करते हुए जीवन में आगे बढ़ें, उसके नाम को महिमा दें। यीशु नाम से जीवन और घर परिवार में बहुतेरी आशीषों को पाएं। आज बुला रहा है तो वो तरस और दया से है, इंसाफ के सिंहासन पे दोबारा जब वो आ गया तो तरस और दया से भरा नहीं, वो न्याय और इंसाफ से भरा होगा, प्रेम और क्षमा से भरा नहीं। फिर वो सिर्फ दंड देगा, फिर वो सिर्फ इंसाफ सुनाएगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, जहां विश्वास है वहां प्रतिफल है। आज हम अपने आप को कहां और कैसे देख रहे हैं, आज हम कहां हैं, हमारा विश्वास कैसा है, कितना बड़ा है। विश्वास में बढ़ना है, विश्वास प्रगटीकरण मांगता है, विश्वास प्रमाण मांगता है। विश्वास बढ़ते हुए विश्वास में रहेंगे, उसके नाम से प्रतिफल को हम पाएंगे। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु सामर्थ्य चमत्कारी परमेश्वर, तेरे नाम को धन्य कहते, आदर मान सम्मान और महिमा तुझे देते। आज अपने वचन के द्वारा तूने हम सभी को चिताया और बतलाया। हे प्रभु तेरे सामर्थ्य चमत्कारी वचन सुनने हारे हरेक लोगों के मन आत्मा में काम करे। आज प्रभु विशेष प्रार्थना करता अपने उन सभी भाई बहनों के लिए, जिन उन परिवारों के लिए जो परिवार प्रभु आज टूट रहे हैं, टूटने की कगार पे है, क्योंकि तेरा वचन कहता है अधर्म के बढ़ जाने से लोग आपसी प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज प्रभु जगह जगह देखने और सुनने में आता है। प्रभु विनती और प्रार्थना करते उन सभी टूटे परिवारों के लिए जो टूटने की कगार पे, प्रभु अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा यीशु नाम से। ओ प्रभु उनके मतभेद दूर हो, ओ तेरे प्रेम में वो बढ़ने पाए। प्रार्थना करता प्रभु ओ उन सभी भाई बहनों के लिए जो रोग और बीमारी से ग्रसित हैं, अस्पतालों में हैं, प्रभु अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा यीशु नाम से वो राहत और चंगाई को पाए। आज प्रभु बहुत तेरे जवान दुखी और परेशान हैं कि उनके मन की मुरादें पूरी नहीं हो रही, वो जो सोचते हैं वो नहीं रहा, जो हो जाता है सोच के मायूस और निराश हैं। हे परमेश्वर उनकी मायूसी निराशा यीशु नाम से खुशी और आनंद में तब्दील होने पाए। हे परमेश्वर विनती और प्रार्थना करता आगरा मसीह मंडली इस पेज के लिए, भाई ब्रदर अनुपम शबनम डेविड के लिए प्रभु विनती और प्रार्थना करता उनकी मिनिस्ट्री पर अपनी बहतायत की आशीष दे। तेरे भाई प्रेम में प्रभु वो बढ़ते जाएं, जीवन घर परिवार उनका आशीषित होने पाए। हे परमेश्वर इस समय सुनने आ रहे मेरे भाई बहन जो दुख और तकलीफ में हैं, यीशु नाम से वो राहत और चंगाई को पाए। मेरे भाई बहन प्रभु जो लाइलाज बीमारियों का से ग्रसित हैं, प्रभु सामर्थ्य हाथ बढ़ा यीशु नाम से उन्हें राहत और चंगाई मिले। हे परमेश्वर विनती और प्रार्थना करता ओ प्रभु उन टूटे हुए रिश्तों के लिए, आज प्रभु विनती और प्रार्थना करता बहुतों के रिश्ते, बहुत तेरे परिवार ओ रिश्तों में प्रभु जो टूटन जारी है यीशु नाम से ठहरने पाए। हे परमेश्वर हर एक दुखी मायूस और निराश यीशु नाम से आनंद और खुशी को पाए, महसूस करे यीशु नाम से, तेरे नाम को महिमा मिले, तेरा वचन सामर्थ्य और चमत्कारी रूप में प्रकट हो। हे परमेश्वर हमारी विनती और पुकार को सुन प्रभु यीशु के नाम, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी हो वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपराधियों को क्षमा,
वैसे हमारे अपराधों को क्षमा और परीक्षा हम तो बुराई से बच, क्योंकि राज्य प्राप्त और महिमा सदा तेरी है, आमीन। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे, प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम पर अनुग्रह करे, प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, आमीन।